देखिए वो हार गए हैं, अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जला के करते हैं, दबा के करते हैं, कैसे करते हैं हम में अलग अलग होती है। जैसे भी करना वो करे, हार तो हो चुकी है। राहुल गांधी से सभी लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के पास मीटिंग कर रहे हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इसको हम इलेक्शन को दोबारा कराने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन को दोबारा कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा है, जो कोशिशें बनती हैं वो कर लें और इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद दिनों में बनने जा रही है। जब अम्बाला की बात हम करें तो अम्बाला में किस तरह का माहौल रहेगा, क्या कुछ काम ऐसा पेंडिंग है जिसको लेकर अब शुरुआत करनी है? देखिए ऐसा है, काम तो कभी खत्म नहीं होते, काम तो चलते रहते हैं। कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बन गया था, ये मूर्ख हैं। अब उनके बुद्धि का ज्ञान का कैप्सूल कोई होगा तो मैं लाऊंगा। हमने तो कल से ही, परसों जीते हैं, कल से ही विकास कार्यों की, नए काम क्या होने हैं सारों के बार काम शुरू कर दिया। क्योंकि 7 बार तो मैं जीत चुका, 8वीं बार जीतने की तैयारी मैंने कल से शुरू कर दी। कल मैं शहीदी स्मारक देखकर आया हूं और सबको कहा है कि पूरी गति के साथ अब आप इसमें काम शुरू करो। जल्दी ही एयरपोर्ट से जहाज भी उड़ाने के लिए मैंने अधिकारियों को कहा है कि दिवाली से पहले पहले जहाज उड़ाओ इसमें। बाकी भी सारे कामों को हम देख रहे हैं। सीएम के लिए आपका नाम आ रहा है, जबकि सीएम की बात चल रही थी, सीएम की पार्टी। देखिए मेरी कोई किसी के साथ बात नहीं चल रही है, कोई किसी के साथ बात नहीं चल रही है। जब कोई करेगा तो बात करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, अपनी भी बातें कहेंगे। अहम जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है आपको, अहम जिम्मेदारी मिलेगी? मैं हम तो जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, सारे इलेक्शन में निभाई है हमने। सारे चित हो गए थे कि डाउन चले गए, मैंने मोरल बूस्ट करके रखा सारों का। मैंने ही कह के रखा पहले दिन से कि अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी और मैंने हर मुकाम पे ये बात की, चुनाव शुरू होने पर भी की, बीच में जब सब डिप हो गए थे, इंटरनल सर्वे कुछ ऐसे आए थे, पार्टियों के सर्वे ऐसे आए थे, तब भी मैंने कंसोल किया कि नहीं अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे। जिस दिन एग्जिट पोल आए उस दिन भी मैंने उनको नकारा, मैंने कहा नहीं ये गलत है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और जिस दिन रुझान आए और कांग्रेस का हेड ऑफिस भंगड़ों से, ढोलों से, बैंडों से, रथों से भरा पड़ा था, वो सारे वापस चले गए। मैंने सवेरे कह दिया था कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हम जनता के नब्ज जानते हैं, मैं भी राजनीतिक पंडित हूँ और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। जिस तरह से कहा था विधायक दल की मीटिंग में भी दावा करेंगे मुख्यमंत्री पद पे, मैंने कभी दावा करने की बात नहीं की, मैं कहीं दावा नहीं करूंगा। हाँ अगर हाईकमांड मुझे बनाने का निर्णय करती है तो मैं हरियाणा को देश की नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा।